वेलकम टू वी मेंटर एकेडमी। हे गाइस, आई एम रवि रावत, आई एम एजुकेटर एट वी मेंटर एकेडमी। यू कैन फॉलो मी एट इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल इन अ फिगर विद ट्रिकी मेथड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर अपने पास पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल इन अ गिवन फिगर। तो चलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं पर्टिकुलर हर फिगर के लिए। तो मैं अगर पहले फिगर की बात करूं तो यहाँ पर ये सिंपल फिगर है, यहाँ पर अपन डायरेक्टली काउंट करके ही पता लगा सकते हैं कि इस फिगर के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, मतलब अधिकतम त्रिभुज कितने हैं। तो अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग करूं तो 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और 3 ट्रायंगल। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल गाइस कितने हो गए अपने, 3 हो गए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका वो क्या होगा, 3। मतलब इस फर्स्ट वाले फिगर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हुए वो कितने हुए, 3 हुए, फर्स्ट, सेकंड एंड बड़ा वाला थर्ड। सेकंड फिगर की बात करते हैं। ये जो फिगर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसके अंदर एक पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर दो लाइन अलग से दे रखी है। तो यहाँ पर अपन गिनते भी कर सकते हैं लेकिन चांसेस होगा कि अपना वो गलत होगा, इसीलिए इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है जो कि बहुत ही ईजी होती है और आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में 5 to 6 सेकंड में कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पर जो नंबरिंग करते हैं अपन वो करेंगे 1, 2 and 3। तो यहाँ पर अपन ने 3 किया और अपने को सिंपली इन तीनों नंबरों को क्या कर देना है गाइस, ऐड कर देना है। तो 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 3, 3 and 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। सो आवर आंसर इज 6। इस तरीके से मैं इसका भी निकाल सकता था, 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो अपन देखेंगे कि यहाँ से भी इस मेथड से भी 3 आंसर आ रहा है। फिगर नंबर 3 की अपन बात करें तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 और अपन सिंपली क्या करेंगे, इन सभी नंबरों को ऐड कर देंगे। 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6, 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10, 10 + 5 दैट इज इक्वल टू 15 एंड 15 + 6 दैट इज इक्वल टू 21। सो आवर आंसर इज 21। तो इस पूरे ट्रायंगल के अंदर, मतलब तीसरे वाले ट्रायंगल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे वो गाइस कितने बनेंगे, 21 बनेंगे। ये बहुत ही इजी मेथड है, इसे अपन इजीली किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप का कोई फिगर अपने पास एसएससी, बैंक या रेलवे में किसी में भी आता है तो जस्ट अपन क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली अपन उन्हें ऐड कर देंगे और उससे जो अपना आंसर निकलेगा वो बिल्कुल ही एक्यूरेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर अपने को बोल रखा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। अपने पास यहाँ पर एक फिगर दिया है, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल अपने को पता करना है। तो गाइस, इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन देखा था उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर अपन नंबरिंग करके और उसे सिंपली ऐड करके हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए जो मेथड होता है वो ये होता है कि अपने पास ये जो पोर्शन है 1, 2 और 3, इस तरीके से पोर्शन को अपन मार्क कर लेंगे और अपने को एक सीरीज याद करनी होगी। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 3, 3 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 6, 6 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 10, 10 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 15, 15 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 21, 21 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 28। तो गाइज, अपने को केवल 21 तक ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कभी एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं और अगर पूछे जाए तो अपन डायरेक्टली फिर दोबारा इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, 28 + 8 इस तरीके से आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अपने को बस केवल एक ये सीरीज अपने को याद करनी है, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28। ये कैसे आए मैंने आपको बता दिया, सिंपली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसे अपन जोड़ते जाओ और अपने पास ये चीज निकल आएगी। तो अपन ने याद करना पड़ेगा अपने को कि 1, 3, 6, 10, 15, 21 ये सीरीज अपने को याद करनी पड़ेगी और इस टाइप का अगर फिगर आता है तो अपन इस सीरीज से डायरेक्टली इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि यहाँ पर जो अपने पास पोर्शन है वो कितने हैं, 3। तो उसे अपन इस तरीके से लिख लेंगे, 3, 2 and 1 और जो अपने पास सीरीज है ऊपर से स्टार्ट करेंगे 1, 3 and 6 और सिंपली जो अपने पास सीरीज है सिंपली ऐड कर देंगे। तो 6 + 3 दैट इज इक्वल टू 9, 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 10।
और अपन क्या करना है इस सीरीज में नीचे से चालू करेंगे और नीचे से ये दूसरा है मतलब अल्टरनेट है तो वो कितना है अपने पास 3, इस 3 को इसमें ऐड कर देंगे और अपने को जो नंबर मिलेगा वही अपना क्या होगा गाइस आंसर होगा। तो अगर 3 पोर्शन वाला आएगा तो उसका आंसर हमेशा कितना होगा 13 और 4 वाला आएगा उसका आंसर होगा हमेशा 27 और अगर 5 इस तरीके से यहाँ पर 4 और 5 नीचे इस तरीके से और भी पोर्शन होते तो 5 का अगर होगा तो अपने पास उसका जो आंसर होगा वो हमेशा 48 होगा। तो अपन इन तीनों को भी डायरेक्टली याद कर सकते हैं जैसे कि अपने को इतनी सारी चीज़ों का सामना ना करना पड़े और अपना क्वेश्चन इजीली हो जाए क्योंकि एग्जाम्स के अंदर टाइम का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे 3 पोर्शन वाले का 13 आएगा, 4 का 27 आएगा, 5 का 48 आएगा। मैंने आपको एक सिद्ध करके बता दिया, प्रूफ करके बता दिया है। इस टाइप का अपन एक दो क्वेश्चन और देखेंगे जिससे आपका जो भी डाउट होगा वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस ये भी एक एग्जांपल है, इसके अंदर भी अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर अपन सेम करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेंगे अपन 1, 2, 3 एंड 4। तो मैंने आपको बताया था जब भी 4 क्वेश्चन आए तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा 27 होगा। तो अपन डायरेक्टली जो आंसर में ऑप्शन में 27 दिया होगा तो अपन बिना सॉल्व करे उस पर 27 पे टिक कर देंगे। इसको मैं एक बार प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। तो अपने पास जो सीरीज थी वो क्या थी, 1 + 2 दैट इज 3, 3 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 6, 6 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 10, 10 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 15, 15 + 6 दैट इज 21, 21 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 28। अपने को 4 तक की ज़रूरत है तो अपन 4 तक ही देखेंगे, लेकिन अपने को ये सीरीज तो याद रखनी है 1, 3, 6, 10, 15 एंड 21। अब अपन इनका कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। तो मैं पहले अपने पास यहाँ पर जो पोर्शन है वो कितने हैं 4 है, 1, 2, 3, 4 4 पोर्शन है तो 4 पोर्शन को मैं इस तरीके से लिखूंगा 4, 3, 2 और 1 और मैं साथ में इनके सीरीज भी लिख दूंगा। तो सीरीज है जो कि अपने को ऊपर से चालू करनी है 1, 3, 6 एंड 10। अपने को सिंपली क्या करना है इनको ऐड कर देना है। तो 10 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 16, 16 एंड 3 19 और 19 एंड 1 दैट इज इक्वल्स टू 20। अपने को सेम अब वही करना है जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, नीचे से एक छोड़ के अल्टरनेट में गोला करना है, इसके बाद पहले को वाले को छोड़ के दूसरे पे करना है, दूसरे वाले को छोड़ के चौथे पे करना है, पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले पे, तीसरे वाले को छोड़ के चौथे वाले पे। इस तरीके से अगर आगे भी होता तो अपन पांचवें वाले को छोड़ के छठवें वाले पे गोला करते। तो पहले तो अपन ने सबको अपन ने टोटल कर लिया है और टोटल करने के बाद जो अल्टरनेट में जिस पर अपन ने गोला किए इनको ऐड करके दैट इज इक्वल्स टू 7, 7 को सिंपली अपन क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे तो अपना आंसर कितना आ गया 27। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 4 पोर्शन हो तो उसका आंसर कितना होगा 27 होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे कि आपके जो बचे हुए डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। सो गाइस इस वाले एग्जांपल में अपन देख सकते हैं अपने पास जो पोर्शन है वो कितने हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 पोर्शन। तो मैंने आपको बताया था जब भी 5 पोर्शन हो उसका आंसर कितना आएगा हमेशा 48 आएगा। ये पर मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ, वही चीज़ अपन स्टार्टिंग से सीरीज लिखेंगे। तो सीरीज मैं बार बार इस वजह से लिख रहा हूँ जैसे कि आपको समझ में आ जाए और आपको एक बार वो सीरीज याद हो जाए। एक बार आपको वो सीरीज याद होगी तो आप ये क्वेश्चन इजीली 10 सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे। तो मैं एक बार सीरीज आपके लिए दोबारा लिख देता हूँ। तो जो अपनी सीरीज है वो कुछ इस तरीके से है 1 + 2 दैट इज 3, 3 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 6, 6 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 10, 10 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 15, 15 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 21 और 21 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 28। अपने को इतना ही याद करना है क्योंकि इतने ही क्वेश्चन आते हैं। जो अपने को याद करने वाली चीज़ है वो है 1, 3, 6, 10, 15 एंड 21। ये अपने को सीरीज याद करनी है, अपने को इनसे मतलब नहीं है। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया है जैसे कि आपको समझ में आ जाए कि ये 1, 3, 6,
10, 15 एंड 21 किस तरीके से आते हैं, लेकिन आप इन्हें डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, वो उसी तरीके से करेंगे कि जो अपने पास पोर्शन है वो कितने हैं, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब इनके बगल में मैं सीरीज लिख देता हूँ, 1, 3, 6, 10 एंड 15। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इन सभी को ऐड कर लेना है। तो मैं देखता हूँ 15 एंड 10 दैट इज इक्वल्स टू 25, 25 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 31, 31 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 34, 34 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 35। अब अपने को क्या करना है, नीचे से अल्टरनेट मतलब नीचे से एक छोड़ के अपने को इस पर गोला करना है, जैसे कि 10 फिर एक छोड़ दिया फिर 3, और इन दोनों को अपने को क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है। तो अगर मैं इसे ऐड करूं तो दैट इज इक्वल टू 13, और जो 13 आया उसे अपने पास जो टोटल आया था उसमें ऐड कर देना है। तो 35 प्लस 13 दैट इज इक्वल टू 48। तो जो अपने पास यहाँ पर जो आंसर आया गाइस वो कितना आया, 48। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर 5 पोर्शन का हो तो उसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, 48 अपने पास उसका आंसर आता है। तो अपन डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं कि जो 3 का होता है उसका आंसर हमेशा 13 होता है, 4 का हमेशा आंसर 27 होता है, और 5 का आंसर हमेशा 48 होता है। तो ये अपन डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े, और अपने पास डायरेक्टली 3 पोर्शन देख के 13 पे टिक लगाना, 4 देख के 4 पोर्शन देख के 27 पे लगाना, और 5 देख के 48 पे लगाना। तो इस तरीके से आपका ये वाला ट्रायंगल भी कंप्लीट हो जाता है। आपको मैं 2 टाइप के ट्रायंगल बता चुका हूँ कि अगर इन टाइप के ट्रायंगल आए तो आप उसे इस तरीके से सॉल्व करें। एक टाइप और रह गया है, वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो गाइस जो अपने पास टाइप 3 क्वेश्चन है उसमें अपने को इस टाइप के फिगर दिए होंगे। ये क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। जो फिगर दिया हुआ है अपने पास, ये 2 फिगर्स दिए हुए हैं, इसके अंदर अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो गाइस इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें इस तरीके के फिगर दिए होते हैं, इस तरीके के फिगर अपने को दिए होते हैं, इसमें और भी ज्यादा आसान रहता है अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना। इसमें अपने को सिंपली क्या करना होता है कि नंबरिंग करनी होती है, 1, 2, 3 एंड 4, 4 लिख दिया और इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना होता है 2 से। तो अपने पास जो आंसर आया 8, यहाँ पर जो आंसर आया वो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर दिस फिगर। इस फिगर के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल आया वो कितना आया, 8। सो आवर आंसर इज 8। अपना जो आंसर होगा गाइस वो कितना होगा, इस फिगर के लिए 8। इसी तरीके से मैं इसमें भी कर सकता हूँ, इसमें मैं पहले नंबरिंग कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अपने को क्या करना है, 8 को जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। सो आवर आंसर इज 16। तो यहाँ पर जो 16 आया वो अपना कितना होगा, आंसर होगा किसका, इस फिगर के लिए, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर के लिए कितने होंगे, 16 होंगे। इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस फिगर टाइप का तो अपन इजीली क्या करेंगे, डायरेक्टली नंबरिंग करेंगे इनकी, और उसे अपन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आपके ट्रायंगल का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, जैसे कि मैं अगले वीडियो में उस चीज़ को शॉर्ट आउट कर सकूँ। चलो जब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।